महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और इस पर्व से बढ़कर हम लोगों के लिए और कोई पर्व नहीं है। देहरादून टपकेश्वर महादेव मंदिर में आज भक्त लोग हजारों की संख्या में लाइन से आ रहे, भगवान टपकेश्वर महाराज को जल चढ़ा रहे और ये स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण इसकी विशेष मान्यता है और भक्तों को विशेष यहाँ पे आस्था भी जुड़ी हुई है और ये प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल होने के कारण यहाँ हर साल भक्त लोग यहाँ आते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं और ये पर्व और ये व्रत, इस व्रत को भगवान शंकर भी इस व्रत को करते हैं और माँ पार्वती भी इस व्रत को करती है और सभी देवी देवता लोग भी इस व्रत को करते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के रोज और कोई अन्य देवता की पूजा उनके मंदिर में उनके भवन में नहीं की जाती और आप कहेंगे कि नहीं मैं उन्हीं की पूजा करूंगा, लेकिन वो वहाँ पे नहीं है अपने भवन में, वो आज टपकेश्वर महादेव मंदिर में टपकेश्वर भगवान के पास बैठे हैं देवता लोग। इसीलिए आज महाशिवरात्रि के रोज भगवान शिव की उपासना की जाती है और ये व्रत बड़ा कल्याणदायी, आनंददायी, सुखदायी और इस व्रत को जो भी भक्त अनजानवश भी करता है, भूलवश भी करता है, भीड़ के साथ अनजाने में भी आया है और वो इस दृश्य को देखता है और भगवान शिव का यहाँ पे जो भी जय जयकारा हो रहा है इसको भी सुनता है तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और अनेकों जन्मों के उसके पाप भी नष्ट होते हैं। और आज बड़े हर्ष उल्लास का दिन है हमारे सब हिंदू भाइयों के लिए, सनातनियों के लिए। ऊपर मेले का भी आयोजन किया हुआ है, 10 दिन का मेला भी होगा। ऊपर दूध मंदिर की ओर से दूध का लंगर भी चल रहा है, भक्त लोग यहाँ जल चढ़ा रहे हैं, नीचे प्रसाद भी ले रहे हैं फलों फूलों का और ऊपर जाके दूध का भी आनंद लेंगे। आप लोग भी आइए, जब भी समय मिले टपकेश्वर महाराज का दर्शन करें और इस व्रत को अवश्य जीवन में सभी मनुष्यों को करना चाहिए। ये फलदायी भी होता है, सुखदायी भी होता है और जो भी इस व्रत को करता है उसे आखिर में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस टपकेश्वर महादेव की आस्था में लीन हम सब इस मंदिर की आस्था को सर्वोपरि रखते हुए महंत जी की कृपा हम सब पर बनी रहती है और इस मंदिर का महत्व है कि भगवान टपकेश्वर, इस कहा जाता है कि शंकर भगवान जी ने यहाँ पर अपनी तपस्या की थी और उसी महत्व को देखते हुए इस मंदिर को महंत जी लोगों की जो असीम कृपा यहाँ पर बनी और उसके नाते इस मंदिर का जो विकास हुआ है, आज जो आप पर दृश्य देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस मंदिर की आस्था ये है कि यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने देखा होगा रात्रि में पहले दुग्धार अभिषेक होता है, उसके बाद सुबह से 12 बजे के बाद लोग जलाभिषेक करना शुरू करते हैं और पूरे रात चलेगा 12 बजे तक, ये पूरा संपूर्ण होगा और इस आस्था को हम सब में बनाए रखें, ईश्वर की कृपा हम सब बनी रहे, यही हमारा संदेश है। और सभी भक्तजन इस जगह पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसा हम सबका विश्वास है। आज मैं यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व पर श्री भगवान टपकेश्वर महादेव जी के दर्शनार्थ आया हूँ। विश्वभर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, जबकि हमारे महादेव सदाशिव जी अर्धनारीश्वर हैं। यह संपूर्ण सनातन संस्कृति के जो आदि अनादि भगवान शंकर हैं, यहाँ श्री द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए तपस्या की थी और वहाँ पर भगवान शंकर से प्रार्थना की थी तो यहाँ एक दूध की धारा प्रवाहित हुई, इसे दूधेश्वर कहते हैं, देवेश्वर, दूधेश्वर और आज के युग में टपकेश्वर महादेव। ये तपस्थली है द्रोणाचार्य की, जिनके नाम से ये देहरादून पड़ा है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी सबकी मनोकामनाएं भगवान महादेव सिद्ध करते हैं।